जय श्री राम दोस्तों, मैं राकेश सिन्हा वियतनाम से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। कल मैं इंस्टाग्राम पे एक वीडियो पोस्ट किया था और उस पर लिखा मैंने, एक बहन का इंस्टाग्राम पे कॉल और मैसेज आया और क्या कहने लगी। उस वीडियो में आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा, आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा रहा, 1 लाख से ज़्यादा व्यू क्रॉस कर गया। लेकिन मैं इंस्टाग्राम में पूरी बात को नहीं बता पाया क्योंकि इंस्टाग्राम में टाइम का अभाव होता है, इसलिए यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों से बात शेयर कर रहा हूँ। सुनिए ध्यान से। मैं 8 से 10 दिन पहले इंस्टाग्राम देख रहा था, रात को इंस्टाग्राम देखते देखते मैं रिक्वेस्ट का मैसेज चेक करने लगा। इंस्टाग्राम का रिक्वेस्ट में एक बहन का मैसेज आया हुआ था, लिखा हुआ था, जय श्री राम भैया, मैं बोकारो से हूँ, मेरा 2 साल का बेटा है, खाना बिल्कुल भी नहीं खाता, पता नहीं क्यों, हम उसको लेकर बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही चिंतित हैं, प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप मेरी कुछ मदद कीजिए। मैंने उनको रिप्लाई किया, जय श्री राम बहन, कारण पूछा, क्या कारण है, रिप्लाई आया बहन का, पता नहीं। फिर 8 से 10 मिनट के बाद बहन का कॉल आ गया डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे और मैंने कॉल को उठा लिया। कॉल उठाते के साथ बहन मेरा धन्यवाद करने लगी, बोले भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा कॉल को उठाया और आपने मेरा मैसेज का भी रिप्लाई दिया। मैंने कहा बहन धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपके सेवा के लिए ही हैं, हम आपके प्रॉब्लम समस्या को सुनने के लिए ही हैं, अगर मेरे से उस समस्या प्रॉब्लम का निदान होगा तो हम ज़रूर उपाय बताएंगे। तो फिर मैंने बहन से प्रॉब्लम पूछा, बहन अपनी प्रॉब्लम को बताई मुझे, फिर मैंने हनुमान जी का आश्वासन दिया और उनको बताया हनुमान जी की किष्किंधा कांड की चौपाई, कि बहन आप इस चौपाई को हनुमान जी के सामने बैठकर और अपने बेटे को बैठाकर इस चौपाई को कहिएगा, अगर आपके बेटे बोल पाते हैं अच्छा से तो बेटा अगर इस चौपाई को कहे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर बेटा नहीं कह पाता तो आप इस चौपाई को हनुमान जी के सामने बैठ के कहिएगा। चौपाई क्या बताया ध्यान से सुनिए, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए ताथ तुम पाही। मैंने कहा इस चौपाई को कहने से हनुमान जी आपके सब कार्य को सिद्ध करेंगे और पूरा करेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और दूसरी कि आपके बेटे की जो भी प्रॉब्लम समस्या है आप हनुमान जी के चरणों में उनको सौंप दीजिए, आप हनुमान जी को बोल दीजिए कि आपन तेज समारो आपे, हनुमान जी देख लेंगे करना क्या है। बहन बहुत ही खुश हो गई और मुझे भी बहुत खुशी हुई। बहन बोलने लगी भैया आपसे 2 मिनट बात करके बहुत ही खुशी मिला। मैंने उनसे कहा कि बहन अगर 2 मिनट बात करके आपको खुशी मिलती है तो हम 2 नहीं 4 मिनट आपसे बात करेंगे। तो ये सबको मैसेज देना चाहता हूँ, जितने भी कार्य कर रहे हैं हमारे सनातनी भाई बहन, भगवान के प्रति वीडियो बना रहे हैं, धर्म के प्रति वीडियो बना रहे हैं, तो आपसे एक विश्वास जुड़ा होता है लोगों का। तो आपको कोई भी मैसेज करते हैं या फिर कॉल करते हैं तो अगर आप फ्री हैं तो उनका रिप्लाई आप ज़रूर दें, या फिर अगर आप उसका मैसेज सीन कर लिए हैं तो उनको रिप्लाई ज़रूर दें, या फिर कोई समस्या में है आपको कॉल कर रहा है तो आप प्लीज़ उनके कॉल को इग्नोर ना करें, उनको कॉल को उठाएं, बात करें, अगर आपसे सोल्यूशन होता है प्रॉब्लम का तो आप उनको उपाय बताएं। तो ये सब जितना मैं बात अभी YouTube के माध्यम से बता रहा हूँ ये सब Instagram में नहीं बोल पाता क्योंकि वहाँ पर टाइम का अभाव होता है, इसलिए मैं YouTube पे ये बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो जितने भी हमारे सनातनी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। मैं वियतनाम से इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहता हूँ और Instagram के हमारे जितने भी फैमिली हैं YouTube पे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट में तो जय श्री राम चाहिए ही चाहिए, और चैनल पर जो भी नए हैं तो भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, लव यू इंडिया।